हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है फैसिनेशन, जिसे डायरेक्ट किया है क्लॉस मेंजेल ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 3.8 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम अपने मेन कैरेक्टर के फादर को देखते हैं जो एक मिलियनेयर थे। वो अपने डे को एंजॉय कर रहे थे। दिन भर इन्होंने एंजॉय किया और अगली सुबह स्विमिंग के लिए चले गए। स्विमिंग करते करते उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। फ्यूनरल पर हम उसके बेटे को देखते हैं जिसका नाम स्कॉट होता है। वो कहता है, मैं अपने फादर से बहुत प्यार करता था, उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना था। मैं बताना चाहता था कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। उसे बहुत बुरा लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं लॉयर प्रॉपर्टीज बांट देता है। स्कॉट अपने फादर को याद करके उनकी सारी चीजें देख रहा था। जब स्कॉट छोटा था तब उसके फादर और वो मिलकर एक घर बना रहे थे। वो अधूरा था तो इसे कंप्लीट करने का काम वो करता है। उसकी मदर कुछ दिनों के लिए वैकेशन पर चली गई थी। फिर जब वो वापस आती है तब ओलिवर नाम के बंदे को अपने साथ लेकर आती है। ओलिवर उसे क्रूज पर मिला था, तभी इनका लव अफेयर स्टार्ट हो गया था। स्कॉट की माँ उसे बताती है ओलिवर एक फ्रेंड है, लेकिन वो उससे ज्यादा था। रात में स्कॉट ने ओलिवर और उसकी मदर को इंटीमेट होते हुए देखा। मदर का नाम मॉरीन होता है। इस बात से वो डिस्टर्ब हो गया था। जब वो काम कर रहा था तब वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को देखता है, उसका नाम केली होता है। इन दोनों की नजरें मिलती हैं। वो एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे। स्कॉट जाकर उसे अप्रोच करता है। वो उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन केली कहती है मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए नहीं आ सकती। लेकिन इन दोनों में काफ़ी अच्छी कॉन्वर्जेशन होती है। अगले सीन में हम डायरेक्टली ओलिवर, मॉरीन और स्कॉट केली सबको साथ में देखते हैं। एक्चुअल में केली ओलिवर की बेटी थी। इससे स्कॉट सरप्राइज हो गया। आज डिनर पर मॉरीन और ओलिवर अनाउंस करते हैं कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। इस बात से स्कॉट डिस्टर्ब हो गया। गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। उसकी मदर उसके पीछे जाती है। स्कॉट कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मॉरीन कहती है तुम्हें शायद लगता होगा तुम्हारे फादर बहुत परफेक्ट थे, लेकिन वो इतने परफेक्ट भी नहीं थे। मैं इस शादी में काफ़ी सालों से खुश नहीं थी। अब फाइनली मुझे एक चांस मिला है और मैं ऐसे जाने नहीं दे सकती। स्कॉट इस पर कुछ भी नहीं बोलता। वो रात में सी के पास आकर बैठता है। तब उसके पास केली भी आती है। स्कॉट उसे अपने फादर की डेथ के बारे में बताने लग गया। वो कहता है मेरे फादर स्विमिंग में 1964 के ओलंपिक चैंपियन थे और स्विमिंग करते हुए उनकी डेथ हो गई। ये पॉसिबल है। केली भी उसकी बात समझ लेती है और वो अपनी मॉम की डेथ के बारे में बताती है। वो कहती है उन्हें डायबिटीज था और उसके इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हो गई। मेरे फादर घर में ही थे, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेकिन अजीब बात ये थी, मॉम के गुजर जाने को सिर्फ एक ही मंथ हुआ था और वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को घर पर लेकर आए। ये बात स्कॉट को भी अजीब लगती है। वो अपनी मदर पर और भी ज्यादा शक करने लग गया था। जब अगली सुबह उसकी मदर बाहर गई तो सारे रूम को वो चेक कर रहा था। केली उसके पास आई और उसे कहा, ये सब करना बंद कर दो, तुम्हें अपनी मदर पर शक नहीं करना चाहिए। मैंने भी अपने फादर को बहुत ब्लेम किया था, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अगले सीन में हम देखते हैं स्कॉट जिस घर पर काम कर रहा था उसे देखने के लिए उसकी मदर और ओलिवर आए। ओलिवर कहता है ये जगह तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर डेवलपमेंट होनी चाहिए। स्कॉट कहता है मेरे फादर को यहाँ पर कोई भी चीज़ कमर्शियल नहीं करनी थी और वैसे ही ये सब चीज़ें रहेंगी। अगले सीन में जब स्कॉट और केली अकेले थे, ये घर वो क्यों बिल्ड कर रहा है इसके बारे में वो उसे बताता है। वो अपने फादर को बहुत मिस करता है। इसके बाद अगले सीन में हम मॉरीन और ओलिवर की शादी देखते हैं, जिसे देखकर स्कॉट बाहर निकल आता है। उसके पीछे पीछे केली भी आती है। वो उसे किस करने लग गई। वो कहती है इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर यहीं पर ये इंटीमेट हो जाते हैं। रात में दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर केली से एक आदमी बदतमीजी करता है। तब वो उसे काट लेती है। अगर केली के साथ कोई बदतमीजी करे तो उसे वो जाने नहीं देती। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर गए और ये दोनों हमेशा एक ही साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एक रात अचानक से केली के चेस्ट में पेन हुआ। स्कॉट उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। हॉस्पिटल से इन्हें पता चला ये कुछ पिल्स लेने की वजह से हुआ है। केली को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, जिसमें उसने एक टैबलेट ली थी जो उसे मॉरीन ने दी थी। ये बात सुनकर स्कॉट थोड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा उसके फादर ने भी यही टैबलेट ली होगी तो शायद इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया होगा। उसने अपने फादर की चीजों में सेम टैबलेट देखी हुई थी। इसके बाद उसे पता चला ये एक हर्बल गोली है, ये आसानी से उसकी मदर को मिल सकती है। उसे एविडेंस की जरूरत थी कि एक्चुअल में उसके फादर ने गोली ली थी। वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है। उसने कहा मेरे फादर के टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट निकालना है। पहले तो लॉयर फ्रेंड मना करता है, लेकिन फिर रात में जाकर ये बॉडी निकाल लेते हैं।
स्कॉट अपनी मदर के बाहर जाने के बाद उसका पूरा रूम चेक कर रहा था, जिसमें उसे कुछ फोटोज मिलती हैं। वो फोटोज देखता है जिसमें बैकग्राउंड में उसके फादर का होटल था। स्कॉट फिगर आउट करता है कि जब उसके फादर जिंदा थे तभी से उसकी मदर का ओलिवर के साथ अफेयर है। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसे लग रहा था शायद ओलिवर और उसकी मदर ने मिलकर उसके फादर को मार डाला। इस बात से केली को भी बहुत बुरा लगता है। रात में जब ये दोनों हैंगआउट कर रहे थे तभी स्कॉट कहता है, मेरे फादर हमेशा से इतने अच्छे नहीं थे। मैं जब छोटा था तब उनका लाइफ स्टाइल बहुत अलग था। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे। एक रात में ड्रिंक करके वो अपनी सेक्रेटरी के साथ घर आ रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पानी में चली गई, जिसमें वो तो बच गए थे लेकिन सेक्रेटरी की डेथ हो गई थी। इसके बाद से उसके फादर सुधर गए। इसी फ्लैशबैक से हमें पता चलता है जो सेक्रेटरी मरी थी वो केली की मदर थी। केली ने स्कॉट से जो भी कहा था वो सब झूठ था। स्कॉट इन दिनों में केली से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया था। वो उसके लिए एक ब्यूटीफुल सी पोयम भी लिखता है, जिसे पढ़कर केली की आंखों में आंसू आ गए थे। एक दिन जब सब मिलकर लंच कर रहे थे तब स्कॉट बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। उसे अभी अभी पता चला था कि एक्चुअल में उसके फादर ने वो गोली ली थी, इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था। वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। वो केली को भी इसके बारे में बता देता है। अगले सीन में मॉरिन केली के पास आई। वो कहती है, ये शादी मेरे लिए हैप्पीनेस है। क्या स्कॉट ये बात समझ नहीं पाता? केली कहती है वो समझने की बहुत कोशिश कर रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अगले सीन में मॉरिन जब ओलिवर के साथ थी तब वो उससे कहती है, हमें उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था कि हमारा अफेयर बहुत दिनों से है। इसका मतलब स्कॉट का शक सही था। इसके बाद हम देखते हैं केली स्कॉट के पास आती है और उससे कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे एक बात कन्फेस करनी है। मेरी मदर की डेथ डायबिटीज की वजह से नहीं हुई थी। एक्चुअल में तुम जब छोटे थे तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में जो सेक्रेटरी मरी थी वो मेरी मदर थी। जिसे सुनकर स्कॉट डिस्टर्ब हो गया। वो सारी चीजें फिगर आउट करने लगता है। वो कहता है, तुम्हारे फादर को मेरी मदर के बारे में हमेशा से पता था, उसी ने मिलकर ये सब कुछ प्लान बनाया होगा। क्या तुम भी इसमें इन्वॉल्व थी? वो गुस्से में यहाँ से जा रहा था लेकिन केली उसे यहाँ से जाने नहीं देती। वो कहती है, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह स्कॉट ओलिवर का फोन कॉल सुनता है। ओलिवर इस आइलैंड पर कुछ बिल्ड करना चाहता था। स्कॉट उसे मना कर देता है। वो गुस्से में अपनी मदर के पास आता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी सेल नहीं करने दूंगा। मुझे पता है तुम्हारा और ओलिवर का पहले से अफेयर था। क्या तुम दोनों ने मिलकर मेरे फादर को मार डाला? मेरे पास रिपोर्ट है, ये तुम्हें भी मिल जाएगी। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं केली ओलिवर से मिलती है। वो कहती है, ये जो भी चीजें हम कर रहे हैं हमें ये रोकनी पड़ेंगी। ओलिवर कहता है, ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था, अब तुम्हें जो भी सही लगे वही हम करेंगे। वो उसके साथ लास्ट टाइम डांस करना चाहता था और डांस करते टाइम उसे किस कर लेता है। फिर आगे हमें पता चलता है एक्चुअल में ओलिवर केली का फादर नहीं था, वो टीनेजर थी जब उसने उसे अडॉप्ट किया था, तभी से इनके बीच फिजिकल रिलेशन थे। केली ने जब अपनी मदर की डेथ के बारे में स्कॉट को बताया था तभी से उसने प्लान करना स्टार्ट कर दिया था। बदला लेने के लिए वो यहाँ तक आ गए थे। अगले सीन में ओलिवर मॉरिन को स्कॉट जो घर बिल्ड कर रहा था वहाँ पर लेकर आता है। मॉरिन भी अब ओलिवर पर शक करने लग गई थी। ओलिवर कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन है। उसने गैस ऑन कर दिया और मॉरिन को एक सिगरेट देता है। वो कहता है, तुम रिलैक्स करो। इसके बाद ओलिवर बाथरूम में चला जाता है। वो बाथरूम की खिड़की से निकलना चाहता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मॉरिन की डेथ हो जाती है। इसके बाद केली और स्कॉट को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। केली बहुत फास्ट ड्राइव करके हॉस्पिटल आ रही थी। हॉस्पिटल में आने के बाद ओलिवर बहुत ज्यादा जख्मी था। वो उससे कहती है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें पहले ही रुकने के लिए कहा था। गुस्से में उसने ओलिवर का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया। तभी यहाँ पर स्कॉट भी पहुंच जाता है। उसे पता चलता है उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। वो जब ओलिवर के पास आया वो उसका मास्क देखता है। फिर सबको लगता है स्कॉट ने ही ओलिवर को मार डाला। स्कॉट डर गया और वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। सारी चीजों के लिए पुलिस उसे ही ब्लेम कर रही थी क्योंकि जो एक्सप्लॉइट हुआ था वो भी उसका ही घर था। उसकी मॉम के गुजर जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसे ही मिलने वाली थी। स्कॉट अपने लॉयर के आ जाने के बाद सब कुछ सच सच पुलिस को बताने की कोशिश करता है। वो नहीं मानते। तभी वहां पर केली आ जाती है। केली पुलिस को बताती है, हॉस्पिटल में मैं भी थी। स्कॉट जब वहां पर पहुंचा तब ओलिवर की पहले ही डेथ हो चुकी थी। केली पुलिस को बताती है सारा प्लान ओलिवर का था, वो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था। पुलिस फिर लॉयर से बात करती है और स्कॉट को छोड़ दिया जाता है। स्कॉट और केली जब घर पर आ रहे थे स्कॉट उसे कहता है, तुमने आज तक मुझे जो भी बताया
मैं किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि सब कुछ झूठ हो सकता है। केली कहती है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें अब सब कुछ सच सच बता दिया है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर ट्रस्ट नहीं है तो प्यार भी नहीं हो सकता। स्कॉट फिर भी मानने के लिए रेडी नहीं था। तब केली चलती गाड़ी से कूदने लगती है, स्कॉट उसे बचाने लगता है, लेकिन फिर इनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में स्कॉट को थोड़ी चोट लग जाती है। केली उसे गाड़ी से बाहर निकालती है। केली कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। स्कॉट भी उसे माफ कर देता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। केली पहले तो स्कॉट से रिवेंज लेना चाहती थी, लेकिन फिर उसे स्कॉट से प्यार हो गया और वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। लेकिन तब तक ऑलिवर बहुत आगे निकल गया था। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।